वेलकम गाइज, MPMK चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए MPMK चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश PNST GNTST और NMTST की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपके रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आने वाले वीडियो में फिजिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी हम आपको डिस्कस करवाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको देंगे, राइट। सो गाइज, जो स्टूडेंट ANMTST यानी कि जो ANM करना चाहता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस चैनल से कर लो आप, जिसका नाम है GK MCQ MK। और जो स्टूडेंट PNST और GNTST की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल पर कर सकते हैं, ठीक है। हम आपका पूरा सहयोग देंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे आपके GNTST PNST की तैयारी के लिए, ठीक है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर हमको कम टाइम में तैयारी करनी है, तो हम करवा रहे ना तैयारी, यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके 100%, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सेल का निर्माण निम्न द्वारा किया जाता है। सोलर सेल इज मेड अप फॉलोइंग, आपको आंसर पहले देना है इसका, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सब कुछ इसमें दे रखा है, ऑप्शन आप देख सकते हो, आर्सेनिक। सोलर सेल का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा गाइज, नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सो गाइज, सोलर सेल का निर्माण अक्सर सिलिकॉन से होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ है, विच इज नेचुरल रबर इन फ्लोइंग, वेकलाइट, नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रीन, पॉलीथाइलिन। आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, थायामिन, निकोटिनामाइड, रेटिनॉल और पायरिडॉक्सिन। इसका आंसर तो सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा दिया, ये हमने आपको रासायनिक नाम बता दिए, इसके केमिकल नेम बता दिए विटामिन के, इनके सोर्सेज बता दिए हमने आपको, और इनके डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी से होने वाले रोग बता दिए हमने, विटामिन, सभी विटामिन हमने आपको पढ़ा दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, और वो हमारा GK MCQ MK चैनल है ना, वहाँ पर हमने पढ़ा दिया आपको, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। विटामिन से क्वेश्चन बनता है 100%। सो गाइज, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, और इसी प्रकार सारे विटामिनों को रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं, जो कि हमने वीडियो बना दिया है, इसका राइट ऑप्शन रेटिनॉल, क्लियर। अगला, SF6 में सल्फर का संकरण, संकरण यानी कि हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन 100% बनता है। इन SF6 द हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर SP2D3, SP3D2, SPD4 या फिर SP2S2P2D2, बताइए। SF6 का आपको संकरण बताना है गाइज, जिसमें सल्फर का संकरण आपको बताना है, क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडेशन से 101%। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि SP3D2। आपने भी ये सिलेक्ट किया होगा तो अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तब तो। अगला क्वेश्चन, आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से निम्न रोग होता है, लैक ऑफ एरोबिक एसिड इन डाइट कॉज द फ्लोइंग, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी स्कर्वी। कौन सा होता है, ये भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और विटामिन हमने GK MCQ MK चैनल में पढ़ा दिया, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, आपके लिए रोजाना 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक वीडियो आपके इसी चैनल पे और 2 वीडियो, एक होता है JK Lone पे, जिसका लिंक भी नीचे दे रखा है, और एक होता है GK MCQ MK पे, रोजाना 3 वीडियो अपलोड होते हैं, आप देखा करो, इन चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है।
आहार में जो आपकी आहार नाली में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी, सिंपल आहार सब जानते हैं, भोजन में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपको पता होगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तब तो ये आंसर आ जाएगा आपको इसका। तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि विटामिन के सभी के केमिकल नेम आपको याद करने हैं, उनके सोर्सेज आपको याद करने हैं, और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको याद रखना है। 2-3 नंबर यहीं से पक्के हैं आपके, कहीं नहीं गए PNST GNTST एग्ज़ाम में, श्योर है, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्कर्वी। अब तो समझ में आ गया होगा एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से, यानी कि विटामिन सी की बात कर रहे थे। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ये चाहे तो यहाँ पर विटामिन ए भी दे देता, बट आपको क्या, आपकी नॉलेज एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आपको एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में पता है कि नहीं। ये विटामिन यहाँ चाहता विटामिन सी भी दे देता, सी यहाँ ठीक है क्या, नहीं यहाँ चाहे तो विटामिन सी भी दे देता, बट ये आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको विटामिन सी का केमिकल नेम पता है कि नहीं। ये अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि आहार में, आहार में ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और दे दे कि कमी से होता है, जैसे कि आपका मान लो साइनोकोबालिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर अब आपको पता होगा कि साइनोकोबालिन क्या होता है, तो उसकी आपको पता है क्या होता है साइनोकोबालिन, विटामिन बीटॉल ठीक है, और विटामिन बीटॉल से क्या होता है, एनीमिया। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और लेवल हमने आपको बता दिया। सो गाइज, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब मान लो आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि आहार में रेटिनॉल, रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर रेटिनॉल होता है क्या है, पहले तो विटामिन ए, विटामिन ए का नाम ही तो है ना, तो रथोन दी होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है गाइज आपके, हम पूरा हेल्प करेंगे गाइज आपकी, टॉप पे ला के छोड़ेंगे आपको, टॉप 10 में। आपको तो बस रोजाना वीडियो देखना है, और अपनी ईमानदारी आपको खोनी नहीं है, आपकी ईमानदारी आपको आगे ले जाके छोड़ेगी। जब CH3CHO को फ्लाइंग विलेन के साथ गर्म किया जाता है तो यह अवक्षेप देता है कॉपर का, CO2 का, CuO का, या फिर Cu+CO2+CO का। वेन CH3CHO हीट विथ फीलिंग सॉल्यूशन इज गिव प्रेसिपिटेट, पहले तो आप बताओ फिर हम बताएंगे, हम तो सभी के आंसर सही बताएंगे, पहले तो आप ट्राई तो कीजिए कि आपको आता ही नहीं आता है, ताकि आपकी MCQs की प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट भी हो जाए, तभी तो आप PNST का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। राइट ऑप्शन है बी, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, क्लियर। अगला है, निम्न में से किसमें एमाइड आबंध नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव एमाइड लिंकेज, पिक्रामाइड, एसिटामाइड, प्रोटीन, बेंजामाइड। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस में एमाइड आबंध होते हैं, तब तो आप इसको सही कर पाओगे, और हमारे स्टूडेंट को तो पता भी होगा, और ऑप्शन चूज भी कर लिया होगा। लेट मी चेक, किसका राइट ऑप्शन होगा आपका, पिक्रामाइड, इसमें एमाइड आबंध नहीं हुआ ठीक है, बाकी के सब में है। अगला क्वेश्चन रोजाना मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना, नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे क्वेश्चन आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। कॉप का नियम प्रयोज्य है, कॉप रूल एप्लीकेबल, टोसो पर, द्रव पर, गैस पर, या फिर अर्थ टोसो पे, इसका राइट ऑप्शन होगा सॉलिड यानी टोसो पे। अगला, निम्न के किस क्रिस्टल की जालक ऊर्जा उच्चतम है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिस्टल हैज हाइस्ट लैटिस एनर्जी, ऑप्शन है KF, CSF, NF, RBF। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
INAF, आपने भी यही किया होगा। और आपको पहले आंसर चूज करना है और खुद का एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। श्यानता व्युत्क्रमानुपाती को कहा जाता है द रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी इन ट्रेमेडेट, फ्लूडिटी, रिजिडिटी, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस। राइट ऑप्शन तरलता। थोड़ा सा लॉन्ग है बट इजी है, डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। पदार्थ ए व बी के परस्पर अभिक्रिया के अर्ध नियम को निम्न में से निरूपित किया जाता है। दर आपको दे रखी है, ए के सांद्रण को दो गुना करने तथा बी के सांद्रण को आधा करने पर नवीन दर पर पूर्ण दर का अनुपात होगा। ये दे रखा है आपको। कर लिया होगा सबने। देखो आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आ चुके हो, ठीक है, तो बोर्ड का एग्ज़ाम आप देख के आ गए हो तो काफ़ी सारी नॉलेज हो गई होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्यूमेरिकल करवाएंगे हम, ज़रूर करवाएंगे। अभी आपकी प्रैक्टिस चेक कर रहे हैं कितने क्वेश्चन आपको सही जाते हैं, एनालिसिस करना। सो इसका राइट ऑप्शन है डी एंड माइनस एम, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला, एकल कारक के द्वितीयक कोटि अभिक्रिया की दर के स्क्वायर के तुल्य है। ए अपॉन एटी वेटस टीका आरेखण रेखीय के साथ है, ऋणात्मक प्रवणता के साथ, धनात्मक प्रवणता के साथ, धनात्मक प्रवणता के साथ शून्य, ऋणात्मक प्रवणता के साथ अशून्य। सो गाइस जिसका जो ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन बेसिकली आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है धनात्मक प्रवणता के साथ अशून्य खंड अंतखंड। द्रव का सामान्य क्वथनांक समीपवर्ती है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली, अपने क्रांतिक ताप के 1.55 गुना, अपने क्रांतिक ताप के दो तिहाई, अपने क्रांतिक ताप का आधा, अपने क्रांतिक ताप का एक तिहाई। वन ऑप्शन आपको चूज करना है गाइस। देखिए आपको चाहे नहीं आ रहा हो फिर भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उससे क्या होगा आपकी गलत फैमिली दूर होगी। मान लो आपने कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वो गलत भी गया तो इन फ्यूचर वो गलती दोबारा आप नहीं करोगे फ्यूचर में, ठीक है, तो कुछ सीखने को मिलेगा। आप ऑप्शन तो चूज तो कीजिए पहले, किया होगा सबने। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने क्रांतिक ताप के दो तिहाई। काफ़ी सारों ने सही किया होगा इसका आंसर, अच्छी बात है। अगला, रिसेरपिन है एंटीबायोटिक, विटामिन, एनाल्जेसिक या फिर ट्रांसक्लेजर प्रशांतक। पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में आपने, जे अणु औषधियाँ भी पढ़ी होगी दैनिक जीवन में औषधियाँ, तो वहाँ से ही लिया गया है और क्वेश्चन आपके 11th 12th से ही बनेंगे, बाहर से नहीं बनेंगे, क्लियर। और हम आपके साथ है गाइज, बिल्कुल तैयारी कराएंगे आपकी पूरी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रशांत तक, ठीक है। अगला, सभी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में से कौन सी राशियां संरक्षित है, केवल आवेश, केवल द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान दोनों, या फिर ना तो आवेश और नहीं द्रव्यमान। विच एक्वेटेड आर द ऑक्सीडेशन एंड रेड्यूस रिएक्शन, इसका राइट ऑप्शन है आवेश और द्रव्यमान दोनों। अगला, तापमान के वृद्धि से भौतिक अधिशोषण सामान्यता है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एडोप्शन जनरली, यानी कि तापमानी वृद्धि से भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आपने पढ़ा होगा रसायन विज्ञान में, वहाँ से क्वेश्चन आया है और आप में दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में।
तो आपको बताना है कि अगर मान लो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो भौतिक शोषण सामान्य तो घटता है बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, स्थिर रहता है। किस प्रकार इफेक्ट होता है टेम्परेचर से भौतिक अधिशोषण? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। सो गाइज, आपने अपना आंसर कर लिया होगा सिलेक्ट और इस क्वेश्चन को आप पढ़ के भी आए हो अभी 12th में रसायन विज्ञान में अधिशोषण वाले चैप्टर में। तो इसका राइट ऑप्शन है गाइज घटता है, याद रखना। अगर याद नहीं था तो याद रख लो, तापमान के वृद्धि से भौतिक अधिशोषण सामान्यतः घटता है, ठीक है। अगला, वीडियो को शेयर किया करो गाइज अपने दोस्तों को ताकि उनको भी पता लगे, क्योंकि इस कोरोना का माहौल, लॉकडाउन का माहौल में हम आपकी तैयारी करवाना चाहते हैं कि हो जाए, स्टूडेंट पहुंच जाए आगे तो अच्छा ही है, ठीक है। तो शेयर अवश्य किया करो जो इनकी तैयारी कर रहे हैं। अभी पुराने पेपर भी देंगे, 5-6 साल के पुराने पेपर भी हम आपको देंगे, PNST के, JNTST के, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, हमको सब कुछ पता है आपको क्या क्या देना है, नोट्स भी देने हैं अभी। तो फ्रंट लिस्ट समतापी प्रयोज्य नहीं है, उच्च दाब पर, न्यूनतम ताप पर, 273 केल्विन या फिर कमरे के ताप पर। राइट ऑप्शन उच्च दाब पे। जाग प्लावन विधि का प्रयोग किस ऐसे किसान के लिए किया जाता है? पढ़ाओगा ना आपने रसायन विज्ञान में, धातु का शोधन में, और सारी विधियां याद रखनी। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? द फोर्थ प्रोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच आर ओरिंग ऑक्साइड सल्फाइड हेलाइड सिलिकेट। राइट ऑप्शन होगा आपका सल्फाइड, इसको क्या किया जाता है गाइज जाग प्लावन विधि से। बाकी की विधियां भी याद रखनी है आपको और एग्जाम्पल अवश्य याद रखनी, क्वेश्चन बनेगा वहां से। व्यंजक चूर्ण की व्यंजक क्रिया निम्न में से किसके बनने के कारण होती है? Cl2, HClO4, CaClO3, HClO। चूज कीजिए वन ऑप्शन। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका HClO4, ठीक है। अगला, किसको ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों प्रकार से उपयोग किया जा सकता है? विच कैन बी यूज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट, HCl, HNO3, H2SO4, HNO2। राइट ऑप्शन इज HNO2, ठीक है। H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर से 101% क्वेश्चन बनता है। अगर निकालना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, हम आपको सिखा देंगे। वैसे आता होगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर, आप पढ़ के आए होंगे 11th 12th में। अगर सीख चुके हो पहले तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीखे हो तो कमेंट करके बता देना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यहाँ पर आपको बताना है एस की ऑक्सीकरण संख्या, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2S2O8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी दे रखे, निकालो रप में और ईमानदार से टिक लगाओ। किया होगा आपने, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है 6 आएगी गाइस, सभी के 6 अच्छे आएगी होगी, एस की ऑक्सीकरण संख्या, ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? विच एलिमेंट रिप्रेजेंट हाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रिस्ट ट्रांसिशनल सीरीज? ऑप्शन दे रखा है MnFeCOCr, बताइए। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका Mn, पहला वाला। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? विच कैटलाइज इन यूज इन हाइड्रोजनेसिस ऑफ ऑयल, MONICE या फिर पेटना? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, NI। सफेद फास्फोरस में PPP बंद कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पोर्टेंट द पीपीपी बॉन्ड एंगल इन वाइट फास्फोरस। बताओ गाइज, एक से दो बार तीन बार भी वीडियो देख लोगे सब सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे आपको गारंटी के साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होता, दो तीन बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। और यूट्यूब से पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, किताबों में तो बोरिंग सा लगता है। देखो हमको तो लगता है, हमें तो डिजिटल ज़माना आ गया तो LCD हो गई, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, इनसे पढ़ना अच्छा लगता है। बुक में तो अजीब सा लगता है आजकल। ठीक है बताइए पीपीपी बंद कौन होता है, क्योंकि हम डिजिटल ज़माने में किसी का भी रूप 3D देख सकते हैं। मान लो किसी का भी योगी को देखना हो, मानव की आंतरिक संरचना देखना हो, ठीक है ना, कुछ भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 190, 120 पढ़ रखा है वैसे आपने इसको रसायन विज्ञान में, और बहुत सारे तो टिक भी लगा दिया होगा। राइट ऑप्शन इसका 60 डिग्री होता है गाइस, ऑप्शन फर्स्ट। ओके अगला, नाइट्रेट के परीक्षण में बनने वाले बुरी विलयन निम्न से किससे बनने कारण होती है। रोजाना आपको पता है गाइज, दो तीन वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी आज सुबह ही। जेकलॉन जॉब चैनल है जहाँ पर हमने बॉटनी जूलॉजी का वीडियो अपलोड किया है, आप देखना उसे जाके। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है हमने, ताकि आप उस वीडियो को देख सको। तीन तीन चैनल आपकी सेवा में लगे हुए हैं गाइज, आपका टॉप में लाने का पूरा प्रयत्न है गाइज। दो चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है। नाइट्रेट के परीक्षण में बनने वाली बुरे विलयन में से किससे बनने पड़ा हुआ है, तो गाइज बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी Fe2O5NO2+। अगला, जब NaCl को सांद्र H2SO4 एवं टॉस K2Cr2O7 के साथ गर्म किया जाता है हम पाते हैं, वेन NaCl इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एंड सॉलिड K2Cr2O7 वेन गेट SrCl3Cr2O3CrOCl2CrO2Cl2। रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, इसका राइट ऑप्शन है गाइज CrO2Cl2। अगला, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक मैग्नीशियम पर किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट प्रेजेंट द बायरिएक्शन मैग्नीशियम एल्केन के, एल्काइल हैलाइड के, एल्काइल एल्काओ के, या फिर एल्काइन एमीन के। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड के। क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया कर देता है CHCl3CH2Cl2CCl3CHO या फिर C2H5Cl। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी CCl3CHO। ठीक है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। अगला है CH3OCl2H5 का IFC नाम है, एथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीथेन, इथाइल मिथाइल ईथर या फिर मिथाइल इथाइल ईथर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मिथॉक्सीमीथेन। अगला क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन अमोनिया पर किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यूरोट्रोपिन इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। इथाइल एमीन नाइट्रस एमीन से क्रिया कर बनाता है, इथाइल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, इथाइल नाइट्राइट, इथेन, मिथाइल एल्कोहल या फिर इथाइल एल्कोहल।
सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इथाइल एल्कोहल। एसीटोनाइट्राइड का सूत्र है C2H5NG, C3NC, C3CN या फिर C2H5CN। एसीटोनाइट्राइल का सूत्र सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया होगा काफ़ी सारों ने। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन है C3CN। कितने क्वेश्चन सही किए आपको देख लेना। क्लोरोफॉर्म हवा एवं सूर्य ऊष्मा से अभिक्रिया कर देता है CO Cl2, CCl4, CH2Cl या फिर Cl2। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर एंड सनलाइट टू गिव। इसका राइट ऑप्शन है CO Cl2। ठीक है, इसीलिए तो क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है, रंगीन कांच की बोतलों में रखा जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश की क्रिया ना करे। ठीक है, नहीं तो रिएक्ट करके CO Cl2 बना देता है। पढ़ा है आपने रसायन विज्ञान में, और क्वेश्चन 11th 12th से ही आएंगे, और जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना इनमें से भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है PVC निम्न में से किसका बहुलकन उत्पाद है। पॉलीमर वाला चैप्टर है आपके रसायन विज्ञान में, वहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा। PVC इज ए पॉलीमरिज्म प्रोडक्ट ऑफ विच प्लोमिंग। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और आपने बॉटनी जूलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। राइट ऑप्शन CH2CHCl राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपने कितने सही किए कितने गलत किए आप खुद एनालिसिस करो, और बॉटनी जूलॉजी का वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करो।